नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन से लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें जहां पर विज्ञान एग्जाम में आते, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, SSC, पुलिस, CTET, स्टेट, RTET, कोई फोर्स का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, जिस एग्जाम में विज्ञान आती है, सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़े ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। डेली क्विज और PDF के लिए जल्दी से गुरुकुल अकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और वहां से आप लोग PDF और डेली क्विज खेलेंगे। तो चलिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंडिया का नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए टॉप बैच लेकर आए इन सभी टॉप एजुकेटर के साथ जो 15 और 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग अभी से ही ज्वाइन करेंगे और देश के बेस्ट एजुकेटर के साथ अपने डाउट क्लियर कीजिएगा। फ्रेंड्स ये देखना तेजस बैच आ गया है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए 15 फरवरी से, वहीं यूपी पुलिस एग्जाम्स की तैयारी के लिए नया बैच आ रहा है 17 फरवरी से, अभी से ज्वाइन करेंगे। संपूर्ण बैच आ गया है NTPC CBT और ग्रुप डी एग्जाम के लिए हिंदी माध्यम में, वही जनरल अवेयरनेस स्पेशल बैच आ गया रेलवे एग्जाम के लिए 17 फरवरी से देश के टॉप एजुकेटर के साथ, और कुछ बेनिफिट हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के। फ्रेंड्स याद रखना शेड्यूल्ड लाइव क्लास आपको यहां मिलने वाली है, लाइव टेस्ट और डेली क्विज आपको मिलने वाली है, डिटेल रिपोर्ट और एनालिसिस आपको सब कुछ PDF फॉर्मेट में मिलेगा, वहीं आपको फ्रेंड्स डाउट क्लियर करने का सेशन मिलेगा अलग से, PDF भी आप लोग यहां से ले सकते हैं, और जो आपका बेस्ट एजुकेटर सभी की क्लास आप लोग डाउनलोड करके बाद में भी यहां पर देख सकते हैं। तो अभी से आप लोग ज्वाइन करेंगे। वहीं फ्रेंड्स आप लोग याद रखना 10% का डिस्काउंट का जो ऑफर है बहुत जल्द हटने वाला है, बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई भी प्लान आप लोग लीजिए और अप्लाई कोड की जगह पर आप लोग डालिएगा गुरुकुल, इसके माध्यम से फ्रेंड्स आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सभी लिंक और मैं रेफरल कोड वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया है। तो अभी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखना आप लोग फ्रक्टोज है सबसे मीठी शर्करा, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, फ्रक्टोज। फ्रेंड्स कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करवाने वाले, स्पीड से क्लास करवाने वाले, तो अंत तक आप लोग जरूर देखना। जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो इस वीडियो से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पाएंगे। नेक्स्ट है, हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखना हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। कैसी? केवल गतिज ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोलोमीटर किसके मापन की एक युक्ति है? किसके मापन की एक युक्ति है बोलोमीटर? तो उसमें विकिरण के मापन की एक युक्ति है, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो कोल्फ ने किया था डायलिसिस मशीन का आविष्कार, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, कोल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल को, ठीक है ना, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है अस्थि में? तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ओसिन प्रोटीन। नेक्स्ट है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की प्रजाति, शुगर बेबी, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, तरबूज की। नेक्स्ट है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यकृत में बहुइसी के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? कौन सा विटामिन? विटामिन ए भंडारित होता रहता है यकृत में बहुइसी के लिए, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। समृद्ध स्रोत गाजर है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। 20 हर्ज लेकर 20,000 हर्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? क्या है? सर्वे, ऑडिबल साउंड,
यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में कैसा महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, अधिक गर्मी महसूस करते हैं, ठीक है ना। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूर्य का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, कौन सा भाग कर देता है, तो अवरक्त किरण कर देती है, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, अवरक्त किरण, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, किसको कहा जाता है पायरोमीटर, तो विकिरण ताप मापी को कहा जाता है पायरोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, विकिरण ताप मापी, ठीक है। नेक्स्ट है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के कौन से नियम से आती है, तो ये आती है पहले नियम से, ठीक है ना। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के पहले नियम से, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पहले नियम से। नेक्स्ट है, हर्ज क्या मापने की इकाई है, क्या मापने की, तरंगों की आवृत्ति को मापने की इकाई है हर्ज, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, बताएंगे फटाफट क्या है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई, क्या है, लक्स है, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, लक्स। नेक्स्ट है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है, बताएंगे फटाफट क्या है एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई, तो ये केल्विन है, क्या है फ्रेंड्स, केल्विन है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, केल्विन, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है, सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, क्या है फ्रेंड्स, सौर सेल है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, सौर सेल। नेक्स्ट है, अभ्रक है, क्या है अभ्रक, अभ्रक है उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक, यानी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए सम्मानित किया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किया गया था, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, कितनी होती है फ्रेंड्स, असीमित होती है सुपर कंडक्टर की चालकता, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, असीमित होती है। नेक्स्ट है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, कौन सा है, पॉलीग्राफ है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, पॉलीग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है, जंगरहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे, ताकि कुछ बच्चे और क्लास में वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन है, क्रोमियम है, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, क्रोमियम, ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए, नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है, किस कुल में आती है नील गाय, हिरण के कुल में आती है, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, हिरण। नेक्स्ट देखिए, चलिए क्या है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है, कौन सा विटामिन बनता है हमारे शरीर में तीव्रता से, ये बनता है विटामिन डी, यानी ए रहेगा राइट आंसर, विटामिन डी बनता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में तीव्रता से, ए रहेगा राइट आंसर, विटामिन डी। नेक्स्ट है, ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप होता है, कौन सा लेप होता है, टेफ्लोन का लेप होता है न चिपकने वाले खाने के बर्तनों में, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, टेफ्लोन। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन क्या है,
क्या है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन है प्रोटीन। क्या है? एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्रोटीन याद रखना। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? किस नाम से जाने जाती हैं? एंथ्रोसाइट्स के नाम से जाने जाती हैं लाल रक्त कणिकाएं, यानी ए रहेगा राइट आंसर एंथ्रोसाइट्स, ए रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में सर्वाधिक होता है, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, छोटी आंत। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? किस पदार्थ में? एमिनोमल में, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? कौन है? यकृत है, जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, शरीर की विशालतम धमनी एआरटा है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, एआरटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? शरीर के वजन का 7% होती है, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, शरीर के वजन का 7%। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? कितना रक्त होता है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में? तो ये होता है 5 से 6 लीटर, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है? ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है? तो ये सफिग्मो मैनोमीटर है, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, सफिग्मो मैनोमीटर। नेक्स्ट है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? लेनस्टीनर है, यानी ए होगा राइट आंसर, लेनस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आर एच फैक्टर का पता किसने लगाया था? आर एच फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो लेनस्टीनर और वियनर ने लगाया था, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, लेनस्टीनर और वियनर, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध होता है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, संक्रमण के विरुद्ध। नेक्स्ट है, विश्व के प्रथम प्रखनली शिशु का क्या नाम था? क्या नाम था? लुइस नाम था, विश्व के प्रथम प्रखनली शिशु का नाम, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, लुइस। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की तंत्रिका कोशिका है, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, तंत्रिका कोशिका, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा, हमारी छोड़ी हुई गैस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? कितनी होती है? 4% होती है, यानी ए रहेगा राइट आंसर, 4% ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को बताता है, यानी ए रहेगा राइट आंसर, भ्रूण के लिंग को याद रखना। नेक्स्ट है, चेचक होने का मुख्य कारण क्या है? चेचक होने का मुख्य कारण क्या है? वेरियोला वायरस है चेचक होने का मुख्य कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है, कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है? कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है? तो विटामिन सी वसा में विलय नहीं है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सभी क्या ये वसा में विलय है, विटामिन बी और सी ये जल में विलय है, याद रखना आप लोग। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है, सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, तो विटामिन डी को कहा जाता है सनशाइन विटामिन, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है?
किसका उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार के लिए? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, कोबाल्ट 60 ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? किस साल में मापा था? 1676 में। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, 1676। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है? पेरिस्कोप किया जाता है, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, पेरिस्कोप। नेक्स्ट है, तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं जी फ्रेंड्स, किस कारण से? अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं तारे, यानी ए रहेगा राइट आंसर, अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर में संकेतक के रूप में प्रवाहित होता है, क्या प्रवाहित होता है ऑप्टिकल फाइबर में संकेतक के रूप में? तो ये प्रकाश तरंग, यानी ए रहेगा राइट आंसर, प्रकाश तरंग, याद रखना ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है, यानी ए होगा राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है, होम्योपैथी के जनक कौन है? होम्योपैथी के जनक कौन है? तो सैमुअल हाइनेमैन है, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, सैमुअल हाइनेमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? किसका विवरण दिया जाता है रेड डाटा बुक में? तो संकटापन्न पादप और जीव जंतु का विवरण दिया जाता है रेड डाटा बुक में, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कौन सा है? तो फ्रेंड्स लखनऊ है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? माफी चाहते, कहाँ है? लखनऊ में है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लखनऊ। नेक्स्ट है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो ये डेवर है, याद रखना थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक डेवर है, ए ऑप्शन होगा फ्रेंड्स राइट आंसर, डेवर, याद रखना। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, बिल्कुल किसके द्वारा होता है? बैटरी के द्वारा होता है रासायनिक ऊर्जा, ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्युत मर्करी लैंप में क्या रहता है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। देखिए, विद्युत मर्करी लैंप में क्या रहता है? कम दाब पर पारा रहता है, यानी ए होगा राइट आंसर, कम दाब पर पारा। नेक्स्ट है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलाम के, 1 जूल पर कूलाम, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? कौन सा उपकरण मापता है विद्युत प्रतिरोध को? तो ये ओम मीटर मापता है, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, ओम मीटर। नेक्स्ट है, एम्पियर किसका मात्रक है? किसका मात्रक है फ्रेंड्स एम्पियर? तो ये है विद्युत धारा का, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1 डेकालीटर कितना होता है? 1 डेकालीटर कितना होता है? 10 लीटर होता है 1 डेकालीटर, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने ब्लॉक किया था? किसने ब्लॉक किया था? ओस्टेज ने ब्लॉक किया था, यानी बी रहेगा राइट आंसर, ओस्टेज। नेक्स्ट है, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स क्यूरी है, याद रखना आप लोग, रेडियो धर्मिता की इकाई, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, क्यूरी, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रेडियो धर्मिता तो किसका उत्सर्जन करते हैं? किसका उत्सर्जन करते हैं रेडियो धर्मी तत्व? किसका करते हैं? अल्फा बीटा गामा विकिरण का करते हैं, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, अल्फा बीटा गामा विकिरण का। नेक्स्ट दिया है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है?
न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये अल्फा किरण है। कौन है? अल्फा किरण, यानी ए होगा राइट आंसर, अल्फा किरण। नेक्स्ट दिया है गामा किरण किससे बनती है? गामा किरण किससे बनती है? तो फ्रेंड्स ये विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनती है। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, विद्युत चुंबकीय तरंग, याद रखना। नेक्स्ट दिया है कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का रूपांतरण है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, पत्ते का। ठीक है, नेक्स्ट है करनाल बंट एक बीमारी है, किसकी बीमारी है करनाल बंट? तो फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, गेहूं की बीमारी है करनाल बंट, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, गेहूं की। नेक्स्ट दिया है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग पूछा है मानव मस्तिष्क का, तो फ्रेंड्स पर मस्तिष्क है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पर मस्तिष्क। नेक्स्ट है वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है? ये कौन है फ्रेंड्स, याद रखना आप लोग, यह कर्त है और जमा कहां होता है? पित्ताशय में जमा होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पीएच 7 से 14 में किसका मान बढ़ता है? पीएच 7 से 14 में किसका मान बढ़ता है? ओएच माइनस आयन का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, ओएच माइनस आयन का। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो फ्रेंसिस सोरेनसन ने किया था। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, सोरेनसन ने किया था पीएच मान का निर्धारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है अम्लीय घोल का पीएच मान। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, 7 से कम। नेक्स्ट दिया है क्षारीय घोल का मान कितना होता है? क्षारीय घोल का मान कितना होता है? तो क्षारीय घोल का पीएच मान होता है 7 से अधिक। कितना? 7 से अधिक होता है। ए ऑप्शन होगा फ्रेंड्स राइट आंसर, 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उदासीन घोल का मान कितना होता है? उदासीन घोल का मान होता है कितना? 7 होता है, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वर्षा के जल का पीएच मान जब खाली स्थान से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। किससे कम हो जाने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाती है? 5.6, 5.6 से कम हो जाने पर अम्लीय वर्षा कहलाती है। सी ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है मुंह के पीएच का मान किससे कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? किससे कम होने पर? 5.5 से कम होने पर। ठीक है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, दांतों के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर क्या है? दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट दिया है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की? तो फ्रेंड्स स्टेपिज है, यानी ए रहेगा राइट आंसर। कहाँ होती है? कान में होती है। सबसे बड़ी फीमर जो कि जांग में होती है, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। सबसे मजबूत होती है जबड़े की हड्डी। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर? ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस हड्डी। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम व फास्फोरस है। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व, यानी ए रहेगा राइट आंसर, कैल्शियम व फास्फोरस। नेक्स्ट दिया है वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती हैं वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, किसकी द्वारा उत्पन्न किया जाता है फेरोमोन्स? तो याद रखना कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है फेरोमोन्स। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, कीटों के द्वारा। नेक्स्ट दिया है तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? किस एक को छोड़ने से? तो फ्रेंड्स गैम्बुसिया को छोड़ने से, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, गैम्बुसिया। नेक्स्ट है शीत रक्तीय प्राणी कौन है? शीत रक्तीय प्राणी कौन है इनमें से? मछली,
मेंढक, छिपकली, सभी तीनों क्या है? शीत रक्त प्राणी है। यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तीन कक्ष होते हैं फ्रेंड्स मेंढक के हृदय में। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, तीन कक्ष। नेक्स्ट है, पावो क्रिसस किसका वैज्ञानिक नाम है? किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिसस, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, मोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जी हाँ बिल्कुल, 11 होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक, ए ऑप्शन होगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जी का वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? किस भाग को करता है ग्रसित? तो ये करता है फ्रेंड्स दिमाग को, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, दिमाग। नेक्स्ट है, जी का वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? किसके द्वारा संचारित होता है मनुष्य में? तो ये होता है मच्छर के कारण, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचारित करता है जीका वायरस। नेक्स्ट है, निद्रालु व्याधि रोग की वाहक कौन है? जी हाँ, सीसी मक्खी है निद्रालु व्याधि रोग की वाहक, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, सीसी मक्खी। नेक्स्ट है, सिस्टेमा नेचरे पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी सिस्टेमा नेचरे पुस्तक? ये लिखी थी कार्ल लिनियस ने, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी कार्ल लिनियस इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां मिलता है? कहां मिलता है? तो माइटोकांड्रिया में मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हार्मोन कहा जाता है वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, हार्मोन। नेक्स्ट दिया है, अंतःस्रावी ग्रंथि से किसका श्रवण होता है? किसका श्रवण होता है? हार्मोन का होता है, यानी ए रहेगा राइट आंसर, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? कौन एक ग्रंथि नहीं इनमें से? जठर एक ग्रंथि नहीं है, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, जठर। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मानव शरीर की किस ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि भी है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो भी कम्प्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सिर्फ फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं, जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलेगा, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।